बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फौजिया मकबूल है और मैं गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज ऊना मंडी च असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के तौर पर काम कर रही हूँ। अगरचे मेरा मजमून जड़ा है या मैं जड़ा मजमून पढ़ानी हाँ उर्दू है, लेकिन मैं अपनी उर्दू जबान के नाल नाल जड़ी के कौमी जबान है उदे नाल नाल मैं समझदी हाँ कि कौमी जबान के नाल नाल सानू मादरी जबान के तहफुज की हिफाजत की भी जरूरत है, वो लोड़ है। उसकी वजह है कि मादरी जबान जड़ी है वो दुनिया दी जड़ियाँ भी जबाना तुसी देख लो, मादरी जबान जड़ी है वो इंसान अपनी जड़ा नाल अपना ताल्लुक ताड़ा कायम कर दी है। जे तुसी अपनी मादरी जबान नहीं बोलोगे, अपने बच्चों नहीं सिखाओगे या मादरी जबान का अदब या मादरी जबान के विच गल नहीं करोगे तो ताड़े बच्चे जड़े ने ताड़े नाल उस तरह मुहब्बत नहीं पैदा कर सकनगे। उसकी वजह है कि मादरी जबान जड़ी है बुनियाद ही मुहब्बत के उत्ते है। तो जदों असी मादरी जबान नू नहीं बोलांगे तो असी असल च अपनी मुहब्बत का सबूत नहीं दांगे, असी अपनी जड़ां दे नाल नहीं जुड़ सकांगे। इसलिए मेरी यह दरखास्त है और मेरा यह कहना है और मेरा मनना भी है कि अपने बच्चों नू भी मादरी जबान सिखाओ, जिहड़ी भी जबान तुसी बोलदे हो, पंजाबी बोलदे हो, कश्मीरी, सराइकी, सिंधी, बलोची, पश्तो। मैं चीज़ देखी है कि बाकी जड़े लोग ने अपनी मादरी जबान सिखाते भी ने और घर च बोलते भी ने, जबकि अगर पंजाबियों नू देखा जाए तो पंजाबी जड़े ने वो पता नहीं क्यों पंजाबी तो इन्ना नाराज़ ने और पंजाबी नू घर दे विच नहीं बोलते, बच्चों नू उर्दू सिखाते ने। उर्दू भी सिखाओ लेकिन अपनी माँ बोली जड़ी है, मादरी बोली है, वो भी बच्चों नू अपने सिखानी चाहिए ताकि बच्चे जड़े ने वो ताड़े सही ताड़े जो भी ताड़ा जड़ा विरसा है या जड़ी मादरी जबान है उसके नाल अपना ताल्लुक कायम कर सकन और असल च ए ताड़े नाल ही ताल्लुक कायम करनगे अगर वो मादरी जबान बोलनगे। इसलिए मैं समझदी हाँ, चूंकि मैं पंजाबी च गल कर रही हाँ तो मैं कहूँगी कि पंजाबी जड़ी है उदे विच जड़ा अदब है या जड़ी शायरी है वो इन्नी ज़्यादा उदे विच समझदारी है, सूझबूझ है, इन्ना इल्म है कि तुसी अगर अपने बच्चों नू पंजाबी दी जड़ी सूफी शायरी है वो कोई एक मिसरा, एक बैत, एक शेर भी अगर उन्होंने समझा दोगे तो उन्हों की पूरी जिंदगी जड़ी है वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि सानू अपनी जबान बोलनी चाहिए तो अपनी जबान ना मुहब्बत करनी चाहिए है। आज मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया।